एक्सरसाइज नंबर एक, डंबल रिस्ट रोटेशन। ये काफ़ी इफेक्टिव और आसान एक्सरसाइज है फोरआर्म मसल में अच्छी कटिंग और साइज को ग्रो करने के लिए। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए दोनों हाथों में लाइट वेट डंबल को पकड़कर खड़े हो जाएं। एल्बो को बॉडी के क्लोज और हाथों को आगे की ओर रखते हुए कलाइयों के सहारे डंबल को रोटेट करें जैसा वीडियो में दिखाया है। आप इसके 3 से 4 सेट 15 से 20 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, रिवर्स ईजी बार कर्ल, टारगेट मसल फोरआर्म्स एंड बाइसेप्स। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए ईजी बार को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर रिवर्स ग्रिप हैंड से पकड़कर खड़े हो जाएं। ईजी बार को कंट्रोल फॉर्म के साथ ऊपर लेकर आएं तो बाइसेप्स एंड फोरआर्म मसल को अच्छे से स्क्वीज करें, फिर उसी फॉर्म के साथ ईजी बार को नीचे लेकर जाएं। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 3, बारबेल रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने से आप अपनी रिस्ट और फोरआर्म्स मसल को बिना किसी चीटिंग के स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले बेंच पर बैठ जाएं और बारबेल को दोनों हाथों से पकड़ लें। फोरआर्म मसल को थाई पर रखते हुए अपनी कलाइयों के सहारे बारबेल को कंट्रोल फॉर्म के साथ ऊपर और नीचे करें। आप इसके 3 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 4, बारबेल रिवर्स रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज को आपने सेम बारबेल रिस्ट कर्ल की तरह ही परफॉर्म करना है। इसमें सिर्फ बारबेल को रिवर्स ग्रिप हैंड से पकड़कर परफॉर्म करना होता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। लाइट वेट का यूज करते हुए अपनी कलाइयों के सहारे बारबेल को ऊपर और नीचे करें। आप इसके 3 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 5, रिस्ट रोलर। ओवरऑल फोरआर्म मसल को डेवलप करने के लिए इस एक्सरसाइज को जरूर करें। सबसे पहले दोनों हाथों से रोलर के हैंडल को सामने की ओर पकड़कर खड़े हो जाएं और उसके बाद रोलर को तब तक ऊपर और नीचे घुमाएं जब तक आपका पूरा फोरआर्म मसल अच्छे से पंप ना हो जाए। इस एक्सरसाइज से ग्रिप स्ट्रेंथ भी काफ़ी मजबूत बनती है। आप इसके 3 से 4 सेट 15 से 20 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 6, वेटेड प्लेट होल्ड। इससे हाथों की पकड़ के साथ साथ कलाई और फोरआर्म मसल मजबूत बनते हैं। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों में वेटेड प्लेट या फिर डंबल को पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं। फोरआर्म मसल पर फोकस रखते हुए प्लेट को आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके रखें। आप इसके 4 सेट करें और प्लेट को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें।